श्रोताओं के रूप में विराजमान हुए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सभी पुण्यात्माओं को मेरा प्रणाम। न गुरुरोर अधिकं तत्त्वं न गुरुरोर अधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न को हरि चहे सो हरि चहे ना कर सके गुरु चहे सो हो धरती सम का गज करो लेखनी सब बन राय समुद्र समशाही करो गुरु गुण लिखा न जाए गुरु ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन् असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ॐ सहनावतु सहनाभुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी अपने पवित्र नेत्रों को खोले। बहुत बहुत जन्मों के पुण्य के फल स्वरूप ईश्वर की कृपा से यह देव दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त होता है। जो दुर्लभ तत्व है जगत में, तीन तत्व दुर्लभ बताए गए। पहला ये मनुष्य जीवन दुर्लभ, दूसरा परमात्मा को पाने की इच्छा जगना, ये उससे भी दुर्लभ है। क्योंकि मनुष्य जीवन तो बहुतों को मिला हुआ है पर उन्हें परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं। संसार को पाने में ही जीवन समाप्त कर देते हैं। तो पहले तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, वो मिल गया तो आत्मा को परमात्मा को पाने की जिज्ञासा उससे भी दुर्लभ है। अगर वह भी सत्संग स्वाध्याय या पुण्य के फल से जग जाए, मनुष्य जीवन मिल जाए और परमात्मा को पाने की जिज्ञासा भी जग जाए, तो ये दो दुर्लभ हो गए। मनुष्य जीवन मिले और भगवान की लिए रुचि न जगे तो व्यर्थ हो गया जीवन, मनुष्य जीवन का उपयोग नहीं ले पाए। और मनुष्य जीवन भी मिल गया और भगवान की भक्ति रुचि भी जगी लेकिन सद्गुरु न मिले तो ये भी बेकार हो गया। तो तीसरा तत्व है सद्गुरु की प्राप्ति, ये सबसे दुर्लभ है। भगवान का पाना आशा है, वेरी जी बहुत सरल है, क्योंकि हर जन्म में तो देखा है कोई से भगवान छुपा हुआ नहीं। तो भगवान का पाना आशा है, सद्गुरु का मिलना मुश्किल है, ये बड़ा कठिन है। ये सहज बात नहीं है कि जैसे भगवान को देख लेते हैं, राम को देखा, अयोध्यावासियों ने कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई उसके लिए रिजर्वेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई पैसा फीस नहीं, सबके लिए ऑर्डिनरी मनुष्य, साधारण मनुष्य की तरह झाड़ू वाले को सब कोई देख लेते हैं, सब्जी बेचने वाले को सब देखते हैं, ऐसे ही। लेकिन सद्गुरु का मिलना ये बहुत कठिन तप है,
और जब गुरु सदगुरु मिल जाता है तो जो कठिन से भी कठिन लग रहा था वो परमात्मा को पाना सरल और सहज हो जाता है। अष्टावक्र जी उन्हीं गुरु में से हैं जो हम आपको प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं कह सकेंगे, पर उनकी वाणी हमें श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो वे समझा रहे हैं कि यह शरीर पंच महाभूतों का कार्य है, यह तुम नहीं हो और यह तुम्हारा नहीं है, इसलिए इसमें से अपना तादात्म्य भाव तोड़कर मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ यही बस विचार मन में रखो, इसी विचार को जागृत रखो हर समय निरंतर। दूसरा विचार को स्थान देना अखंड परमात्मा की व्यापकता को नष्ट करने का अपराध हो जाएगा। जो परमात्मा अखंड है सब देश में सब काल में सब रूप में, अगर उसको तुम अन्य मानो या और किसी दूसरे को भी तुम मानो तो उसकी व्यापकता अखंडता में तुमने खंड कर दिया, और परमात्मा का अखंडता को खंड करने वाला जीव महापापी, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा के अतिरिक्त एक कीट पतंग को भी नहीं देखना चाहिए। कीट पतंग वो भी परमात्मा ही है, क्योंकि जड़ चेतन जग जीव यत सकल राममय जान, जो कुछ भी जड़ और चेतन सृष्टि है वो केवल परमात्मा तत्व ही है, वही एक सत्य है, उसी का ही यह सब विस्तार है। तो है जनक, तो अपने को ब्रह्म से पृथक किंचित भी अन्य मत जान। ब्रह्म कोई पाने की वस्तु, वह प्रमेय पदार्थ नहीं, वो अप्रमेय है, उसको किसी इंद्रिय के तरह इंद्रियों के विषयों की तरह प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः पंथ के साथ मिलकर यह जीव अपने को कबीर पंथ, दादू पंथ, आनंद मार्गी, राधा स्वामी, साई पंथ आदि मानता है, एवं गिरी पुरी भारती आनंद सागर आदि पूंछ लगा लेते हैं। तो लोग कैसे कैसे भटक रहे हैं, कैसे कैसे सत्य से वंचित होकर और मिथ्या उपाधियों से अपने को सुशोभित करते हैं। मैं राधापंथी हूँ, तो मैं कितने पंथ हैं, नाम फिर से बोलो। कबीर पंथी, कोई दादू पंथी, तो कोई ऐसे ही आनंद मार्गी, राधा स्वामी, साई पंथी आदि मानता है, और साथ साथ फिर अपने अंदर और अखाड़ों की भी पूछ, वो अमुक अखाड़े वाला है, वो अमुक अखाड़े वाला है, ऐसे भी अलग अलग अहंकार करते हैं। पद के साथ मिलकर यह जीव अपने को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, मंत्री, सरपंच, जनरल मैनेजर आदि मानता है। ऐसे जहाँ जहाँ नौकरी करता है पेट पालन के लिए, उसका भी अपने में अहंकार कर लेता है। रिश्ते संबंध के साथ मिलकर
यह जीव अपने को पिता माता पति पत्नी भाई बहन बेटा बेटी आदि मान लेता है। कितना अपने ऊपर उसने बोझा चढ़ा रखा है अहंकार का। किंतु सोचो कि इन उपाधियों के पूर्व भी तो तुम कुछ थे या नहीं। तो अब आप लोगों को इन उपाधियों सहित अहंकार जो हो रहा है यही तुम्हारे दुख और बंधन का कारण है। पर सोचो जब तुमको ये डिग्रियां नहीं मिली थी, जब तुमको ये नौकरियां नहीं मिली थी, जब तुम्हारे संबंध नहीं जुड़े थे, तब भी तुम थे या नहीं? इनके बिना भी तो हम थे। अरे शादी नहीं हुई है तब भी तो हम हैं। तब क्या है हम? तब हम न पति हैं न पत्नी हैं, ना हम कुछ और उपाधि वाले हैं। ये तो बाद में प्राप्त हुए हैं जन्म के बाद, नाम भी जाति भी भाषा भी धर्म भी। गर्भ से निकले बच्चे के बारे में हम कह नहीं सकते कि ये कौन जाति का है, कौन संप्रदाय, कौन धर्म का है या इसका क्या नाम है। तो बाद में सब उसके ऊपर परिवार वाले आरोपित कर देते हैं। हे जनक, अब जीव के अभिमान स्थान सूक्ष्म शरीर की रचना देखो। आकाश के सत्व गुण से श्रोत्रेंद्रिय और रजोगुण से वाकेंद्रिय बने। फिर ये शरीर के अंदर क्या क्या इंद्रियां कैसे बनी वो बता रहे हैं। इस सत्व गुण के द्वारा तो अंतःकरण, मन बुद्धि चित अहंकार और यह ज्ञानेंद्रियां बनी। फिर रजगुण के द्वारा पंच कर्मेंद्रिया बनी। फिर तमोगुण के द्वारा पंच विषय बने। इस तरह से इनका निर्माण हुआ। वायु से सत्वगुण, वायु के सत्वगुण से त्वचा इंद्रिय एवं रजोगुण से हाथ बना। तेज के सत्वगुण से नेत्र इंद्रिय बनी और रजोगुण से पैर बने। जल भूत से सत्वगुण की जीवा तथा रजोगुण से लिंग बना और पृथ्वी भूत से सत्वगुण से घ्राण इंद्रिय तथा रजोगुण से गुदा इंद्रिय बने। पंचभूतों के मिलित सत्वगुण से अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार बने। तो शरीर की रचना कैसे हुई है? तीन गुणों के द्वारा और पंचभूतों के द्वारा। अब इसमें हमारा क्या स्वरूप है ये बात पकड़ने की है। क्योंकि जिस जिस इंद्रिय के द्वारा जो जो कर्म हो रहा है वह मैं नहीं हूँ, वो मेरे नहीं, मैं उन पांचों से, भूतों से, तीन गुणों से और 14 त्रिपुटियों से रहित केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इसी में निश्चय करना है। और ये इंद्रियाँ तो तीन स्वभाव वाली हैं, पटुता, मंदता, अंधता। कभी तो ठीक काम करती है, कभी कम काम करती है और कभी बिल्कुल भी काम। ये इनकी प्रकृति है। मेरी प्रकृति एक ही है क्या? कम करती है तब भी मैं जानता हूँ, ठीक करती है तब भी जानता हूँ और बिल्कुल ना करे तब भी मैं तो जानता हूँ। मेरा काम, मेरा स्वभाव केवल जानने का है, इनका स्वभाव करने का है। एवं पंचभूतों के मिलित रजोगुण से प्राण अपान उदान समान व्यान आदि पंच प्राण बने। इनमें कार्य कारण संबंध है। इससे यह सिद्ध हुआ
कि कारण कार्य रूप में विद्यमान है। कार्य में कारण अनुगत रहता है। तो ये सब कार्य हैं और परमात्मा कारण है, और कारण हमेशा कार्य में सम्मिलित ही रहता है, उसके बिना तो कार्य की आकृति भी देखने को नहीं मिलेगी। तो कारण कार्य संबंध मालूम पड़ता है और यह कारण ही कार्य रूप में विद्यमान है। तो ये सारा जगत क्या है? कार्य है। किसका कार्य है? परमात्मा का। कौन कारण है इसका और कौन कार्य है इसका? तो ये जगत कार्य अपने कारण परमात्मा से भिन्न, जैसे कि अलंकार कार्य है किसके? स्वर्ण के। स्वर्ण क्या है? इनका कारण है और इसका कार्य है। तो अब अलंकारों में स्वर्ण अनुगत है, स्वर्ण से अलग अलंकार नहीं। इसी तरह ये सृष्टि कार्य है और सृष्टा परमात्मा इसका कारण है। तो कारण से कार्य अलग होता ही नहीं। तो तुम ब्रह्म से किंचित भी अलग नहीं हो, ये सुंदर सिद्धांत मिल गया कारण कार्य की युक्ति के द्वारा। यह निश्चित कर लो कि मैं उससे अलग, वो कारण है तो मैं कार्य हूँ। चलो आगे। जैसे स्वर्ण अलंकार रूप में, सूत्र कपड़ा रूप में और मिट्टी ही घड़ा, दीपक, दुर्गा, गणेश, राम, कृष्ण, हनुमान, ईंट, खपरा, कवेलू, दीवार रूप में भासते हैं, इसी तरह पंचभूतों का विकार रूप यह शरीर संघात दिखाई पड़ता है। हे जनक, इस सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाला जीव अपने को कर्ता भोक्ता, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, सुख दुख, अशांत शांत, अज्ञान ज्ञान, बंध मोक्ष धर्मी मान लेता है। तो पहले तो इस देह के साथ तादात्म्य करके अपने को स्त्री या पुरुष, गोरा या काला, लंबा या छोटा, दुर्बल या मोटा, ये मान लेता है। फिर इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मान लेता है। फिर प्रांतीयता मान लेता है, जिस प्रांत में पैदा हुआ फिर वहाँ की मोह लगा लेता है, पंजाब का है कि गुजरात का है कि मारवाड़ का है कि उड़ीसा का तो कि बंगाल का, इस तरह से। और जन्म और मरण इसमें वो अपना मान लेता है। इससे और आगे चलो तो सूक्ष्म शरीर के अंदर फिर अहंकार करके मैं कर्म का करता हूँ, मैंने ये काम किया है और मैं इस फल को भोग रहा हूँ, इसके साथ मैं पापी या पुण्यात्मा, क्योंकि अच्छे कर्म करता है तो मैं धर्मात्मा पुण्यात्मा हूँ और नीच कर्म करता है तो मैं तो बड़ा पापी हूँ, मैं तो नरक जाऊँगा तो या स्वर्ग जाऊँगा, ये अभिमान कर लेता है। फिर सुख भोगूंगा या दुख भोगूं, उसका अभिमान कर लेता है। अज्ञान और ज्ञान का कि मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ या मैं बहुत ज्ञानी हूँ, यह अभिमान कर लेता है। फिर चंचल और शांत, मैं तो बहुत अशांत हूँ, मैं बहुत दुखी अशांत और मैं बहुत शांत हूँ, यह अभिमान आ जाता है। फिर मैं बहुत ज्ञानी हूँ या मैं अज्ञानी हूँ, यह अभिमान। फिर मैं बद्ध हूँ और मुक्त हूँ, इस प्रकार ये सूक्ष्म शरीर के साथ अभिमान अपने में जोड़ लेता है। कौन कौन से? कर्ता भोक्ता, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान,
चंचल शांत और बंद मोक्ष। इस तरह से ये सूक्ष्म शरीर की धर्म को अपना मानकर 84 लाख योनियों में भटकता है। किंतु जब सद्गुरु द्वारा यह जीव अपने सत्य असंग स्वरूप को जान लेता है, के स्वरूप को जो असली अपना असंग दृष्टा चेतन आत्म स्वरूप को जब जान लेता है, पर जब इन्हें कब, जब सद्गुरु मिलता है, तभी यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि यह जीव अपने को पापी पुण्यात्मा से रहित, स्वर्ग नरक से रहित, अज्ञान ज्ञान से रहित, केवल आत्म रूप से, साक्षी रूप से जान लेता है।